अरे भावना क्या देख रही है जींस को, बोलना जो बोलना है। यार मैं ये देख रही हूँ कि मेरी जो फटी जींस है वो मेरे संस्कार दिखाती है। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि जो फटी जींस होती है ना लड़की की, वो उसके संस्कार दिखाती है। तो लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं ना, ये आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। तो व्लॉग को जो है ना आपको पूरा देखना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट भी करना है। चलो भाई, बाकी सीएम ने जो भी बोला फटी जींस के ऊपर, पर तेरे संस्कार मेरे को जरूर पता है। फटी सोच, इट्स ऑब्वियस, बिकॉज इंडिया में क्या है, अब हम बोलते हैं कि साड़ी पहनने वाले लोग ज़्यादा संस्कारी होते हैं, तो उसमें भी तो 6 इंच कमर दिखती है। अगर घुटनों से पैर फट रहा है तो इट डजंट मीन कि वो गलत है, तो मेरे हिसाब से बेकार है। आई थिंक ये फटी सोच है उनकी, बिकॉज मैं शॉर्ट्स पहनूँ या बिकिनी पहनूँ किसको क्या फ़र्क पड़ता है। फटी सोच, सोच ही इतनी फटी है, कपड़ों से कभी डिसाइड नहीं हो सकता कि इसका कैरेक्टर कैसा है, और लड़के पहन सकते हैं लड़कियाँ नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ वो नहीं है। उन्हें अपनी सोच थोड़ा सा बदलनी चाहिए। कह सकता हूँ, फक ऑफ। मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा दिमाग को खोलें और थोड़ा सा अडेप्टेशन लाएं लाइफ में, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं और उसको सीखना चाहिए टाइम के साथ। वो सिर्फ बच्चों पे नहीं, सब पे अप्लाई होता है, बड़े बूढ़ों पे भी। कह तो दिया फटी सोच, अभी से ज़्यादा क्या कहना। रेप बुरके वाली का भी होता है, बिकिनी वाली का भी होता है, सो डजंट मैटर। लड़कों को थोड़ा सिखा लेंगे तो आई गेस विल बी फीलिंग वेरी सेफ। वैसे तो लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की इक्वली है, इतने इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग खुद ऐसी बात करते हो तो फ़ायदा नहीं है ना उसके। एक इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, और वो उनके दिमाग की बहुत घटिया सोच है, नीच सोच। अगर एक लड़का शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है तो एक लड़की को नहीं पहन के घूम सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इवन मैंने अलाउ किया अपनी फैमिली, एंड आई थिंक हर किसी को करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि पहनावे से कुछ फ़र्क पड़ता है। इट्स जस्ट कि आप जिस मॉडर्न ज़माने में हो, कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, आपके कैरेक्टर से मतलब है, हाउ डू यू डू थिंग्स एंड वट एवर इट इज़, उसका फैशन से मतलब है, ना कि आपकी सोच से। सूट में सीएम को छोड़ो यार, सूट आई थिंक मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जितना सूट में सेक्सी दिखता है, आई डोंट थिंक सो इन बैगी क्लोथ्स में दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो। डेफिनेटली मैं जॉब करती हूँ, ऑफिस में सूट भी पहन के जाती हूँ, जीन्स भी पहन के जाती हूँ, एंड एक्चुअली मैं इस बैगी क्लोथ्स में ज़्यादा कम्फर्टेबल और सेफ फील करती हूँ, बिकॉज सूट में ना दे जस्ट चेक यू आउट लाइक हेल, दे जस्ट डू द एक्सरे, खड़े खड़े आई थिंक सीटी स्कैन कर सकते हैं वो दोबारा। और एक इतने अच्छे लेवल पे बैठा हुआ इंसान जो सीएम है एक स्टेट का, एक स्टेट को चला रहा है, और उसकी सोच ऐसी है लड़कियों को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, तो सोच सकते हैं कि आई थिंक वो खुद अपनी लड़की के लिए क्या सोचता होगा ये उससे डिफाइन हो जाता है। वो तो उसने कभी फिर अपनी लड़कियों को पहनने ही नहीं दिए होंगे, जब भी उसकी ऐसी घटिया सोच है कि पूरे देश के लिए। कभी ऐसे आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे अगर ऐसे लोग इतने ऊंचे लेवल पे बैठे रहेंगे। वैसे बात तो उसके कैरेक्टर, उसकी सोच के साथ है ना, उसकी सोच क्या है, कपड़े अगर फटी जींस है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कैरेक्टर लूज है। यू शुड रिस्पेक्ट देम, लाइक अगर पुरानी हिस्ट्री में आप जाते हो ना, सो इन सम माइथोलॉजीज लोग कहते हैं कि दैट वीमेन आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट मैन, ठीक है, सो यू शुड रिस्पेक्ट देम। बेसिकली अगेन इट्स फटी सोच, क्योंकि वो पुरानी जनरेशन चली आ रही है, वो लोग आज भी हम लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, इवन हमें सिखा भी यही रहे कि आपको ट्रीट भी वैसे करना चाहिए। मैं बुर्का पहन के घूमूं या कुछ भी पहन के घूमूं यार, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मेरी मर्जी है, आई एम एन इंडिपेंडेंट वूमेन, आई एम अर्निंग, आई एम परचेजिंग इट ऑन माय विल, माय पेरेंट्स आर नॉट सेइंग एनीथिंग, सो उनको क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट गेट इट। आई थिंक ये डेफिनेटली उनकी फटी सोच है, हमारी फटे कपड़ों से या फटी जीन्स से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सॉरी मैसेज से कुछ नहीं होता ना मैडम, पहले आप किसी को गाली दे दो, मार दो, बाद में आप सॉरी बोल दो। सॉरी तो एक तरीके का वो पासवर्ड हो गया है कि पहले गलती कर दो फिर सॉरी बोल दो, वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे तो लगता है उनको, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये आजकल का जनरेशन है, बच्चे आज कपड़े आज फटे जीन्स जैसे पहन रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि है ना, वो लोग भी अपना स्टाइल में रहना चाहते हैं, इस वजह से पहन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी संस्कार भी वैसे ही है। बिल्कुल, है ना, आपके खुद के भी बच्चे पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी प्रेफर करते हैं, हम खुद भी पहनते हैं, हम खुद भी पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी छोटी सोच वालों को सीएम ना बनाया जाए, क्योंकि एक सीएम जो होता है पूरे स्टेट को चलाता है, तो पूरी स्टेट की प्रजा उसके अंडर में होती है, अगर उसकी सोच ऐसी होगी तो जो ये
बलात्कारी हैं लोग हैं और जो क्रिमिनल लोग हैं इनको तो फिर और बढ़ावा ही मिलेगा रेप करने के लिए। आज ये बात सिर्फ उत्तराखंड पे हुई है, कल को पूरे देश पे भी उठेगी। और दूसरी चीज़ पता है क्या, कहीं ना कहूँ मैं कहूँगा कि फेमिनिज्म जो वर्ड है ना उसको कई तरीके से गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। लाइक वाई वुड आई से फटी सोच कि ये लोग आज भी ना, अगर आप देखेंगे पिछली हिस्ट्री में जाएंगे ना तो कभी वुमेन को इक्वालिटी नहीं दी गई है। ठीक है, हम बात करते दैट ओके वोटिंग का उसको राइट दे दिया है, सिर्फ वोटिंग राइट देने से नहीं होता, यू हैव टू ट्रीट देम सेम, लाइक कम ऑन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने देखा लोगों ने सीएम की जो सोच है उसको छोटी बताया, फटी सोच बताया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, क्योंकि हम वीडियो उसी पे बनाएंगे जो आप बताएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे नीचे इंस्टा दी गई है उस पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए।